विद्युत विभाग की आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश विद्युत बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोला है। बर्सर डिवीजन आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदेश विद्युत बोर्ड के जारी फैसले को गलत ठहराया। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि बोर्ड ने आउटसोर्स के हटाने के आदेश विद्युत कार्यालयों को भेजे हैं, उनके स्थान पर बोर्ड ने स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिसको लेकर आउटसोर्स यूनियन बर्सर ने प्रदेश सरकार और विद्युत बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम बर्सर के माध्यम से सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। उन्हें हटाया ना जाए बल्कि नियमित किया जाए। विद्युत विभाग की आउटसोर्स यूनियन बर्सर के प्रधान आशीष कुमार ने विद्युत बोर्ड को अपने फैसले को वापस लेने की गुहार लगाई है। आशीष ने कहा कि बीते रोज विद्युत बोर्ड ने आउटसोर्स कर्मियों को हटाने के ऑर्डर पारित किए हैं। बोर्ड ने आउटसोर्स कर्मियों को हटाकर उनके स्थान पर नियमित भर्ती की है, जिन्हें अब विभिन्न स्थानों पर तैनाती की जा रही है। बोर्ड के इस फैसले से आउटसोर्स यूनियन पूरी तरह खफा है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी पिछले 5-6 सालों से अपनी सेवाएं विद्युत बोर्ड में दे रहे हैं, कोरोना काल में अपनी सेवाएं जारी रखी हैं, लेकिन अब बोर्ड ने अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, जो कि न्याय संगत नहीं है। आउटसोर्स यूनियन बर्सर के प्रधान आशीष कुमार विद्युत बोर्ड से इस निर्णय को वापस लेने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि विद्युत मंडल बर्सर में 51 आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें पुरुषों सहित महिलाएं भी शामिल हैं, जो विद्युत बोर्ड के विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। आशीष कुमार। आशीष जी, बताएं क्या समस्या है? मैं बर्सर यूनिट का आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रधान। जैसे कि आपको पता है कि सरकार द्वारा पिछले कल जो आदेश जारी किए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा, हम सब लड़के जो पिछले पाँच छः सालों से कार्यरत हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी हमने अपनी सेवाएं दी हैं, और सरकार एकदम से बोल रहे हैं कि जो नई अपॉइंटमेंट हुई है जूनियर टीममेट जूनियर हेल्पर की, उनके बाद जो है मेंटेनेंस गैंग को बाहर कर दिया जाएगा। तो एकदम से जो बाहर कर दिया जाएगा तो हमारे कर्मचारी साथी कहाँ जाएंगे? इससे तो हमारा परिवार चलता था, अब जो घर में बैठ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी आपने ये जो बताया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा, ये बिल जो है वो रद्द किया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों को कंटिन्यू नौकरी दी और इसके बीच में स्थायी नीति बनाई जाए, जिससे आउटसोर्स कर्मचारी बिजली बोर्ड में नियुक्त हो। वहीं हिमाचल प्रदेश के विद्युत बोर्ड स्थायी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदलाल ने बोर्ड के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। उन्होंने सरकार और विद्युत बोर्ड से गुहार लगाई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित किया जाए। मैं एचपीएसवी एम्प्लॉइज यूनियन का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जो बिजली बोर्ड में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर मैनेजमेंट करने जा रही है वो न्याय उचित नहीं है। एचपीएससी एम्प्लॉइज यूनियन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ है। इन लोगों ने लगभग 5-6 साल कंटिन्यू बिजली बोर्ड को सर्विस दी है। कोरोना महामारी के इसमें भी इन लोगों ने रात दिन मेहनत करके बिजली को सुचारू रूप से चलाए रखा। मैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार या मैनेजमेंट इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, बिजली बोर्ड की एम्प्लॉइज यूनियन के साथ है और इस लड़ाई को आगे तक लड़ना पड़ेगा तो लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी। एवं अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें जल शक्ति के जो प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने भी जो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ थे उनको जल शक्ति विभाग में संयोजित करने के लिए कदम उठाए हैं। बहुत ही सराहनीय बात है। मैं भी ऊर्जा मंत्री एवं हिमाचल प्रदेश सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपना कीमती समय बिजली बोर्ड में दिया है उन लोगों के प्रति ठोस नीति बनाई जाए और उनको बिजली बोर्ड में मर्ज किया जाए। वहीं विद्युत विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे अमित कुमार ने बताया कि वे 5-6 वर्षों से विद्युत डिवीजन बर्सर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश के विद्युत बोर्ड ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया है, जो कि गलत है। उन्होंने विद्युत बोर्ड और सीएम जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत बोर्ड कर्मचारियों में मर्ज करें ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम अमित कुमार है। अमित कुमार जी, आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सर आउटसोर्स कर्मचारी, मैं सब बर्सर में कार्यरत हूँ, मेरा जनरेशन ईएमआर है। मैं आउटसोर्स कर्मचारी यूनियन का पूर्व प्रधान रहा हूँ और मेरी सरकार से ये मांग है कि जिस तरह आज ये मेंटेनेंस गैंग वालों के लिए
एक लेटर निकाला गया, नोटिस प्रबंधक वर्ग से ऊपर से शिमला से निकाला गया है कि मैं जैसे ही नए जूनियर टीममेट और जूनियर हेल्पर की नियुक्ति होती है मेंटेनेंस के वालों को बाहर कर दिया है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जब पिछले 5-6 साल से ये कार्य कर रहे हैं, अपनी दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर बहुत ही ज़्यादा इसकी कार्य है, जब एक व्यक्ति लाइन पर चढ़ता है उसको ये पता नहीं होता कि कौन सी तार पे लिफ्ट कर मेरा नाम लिखा है जिससे मैं मौत का शिकार हो जाऊँगा। आज कुछ भाई हमारे ऐसे हैं मेंटेनेंस गैंग के जो अपनी टांगे हाथ कोई और बिल्कुल ही अपाहिज हो चुके हैं, ना तो उनके लिए कोई मेडिकल की सुविधा है, ना तो किसी सरकार की तरफ से कोई ऐसा मुहैया कि नहीं अगर उनमें से किसी कोई मौत का शिकार होता है कि उसको उसकी फैमिली के लिए जगह मतलब नौकरी मिले। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं सरकार से यही आग्रह सरकार से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, उनको आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी मेंटेनेंस गैंग के लिए लेटर निकाला गया है उसको वो वापस लें, और जो हमारे मेंटेनेंस गैंग में जो भी AMR हैं, जो भी हमारे अन्य जो भाई हैं जो आउटसोर्स के तहत अपने विभिन्न विभिन्न हमारे बिजली विभाग में सेवाएँ दे रहे हैं, जैसे कई ड्राइवर में हैं कि अपने मेंटेनेंस गैंग में हैं, जैसे AMR हैं और जैसे और कुक बैर जो किसी भी सब स्टेशन हेल्पर हैं जिस किसी भी श्रेणी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए एक स्थायी नीति बनाई जाए ताकि उनके परिवार का पालन पोषण चल सके, और अगर इनमें से किसी भाई की मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, और इस बिल को सरकार जल्दी से जल्दी वापस ले क्योंकि आज 5 से 6 साल लगातार हो गए हमारे भाई मेंटेनेंस गैंग के लगातार पोल पर चढ़ के बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं जिससे आधी रात को अगर किसी की विद्युत आपूर्ति होती है तो फोन करके बोला जाता है तो विभाग से हमें आदेश आता है कि हमारे भाई उस जगह पर पहुंचे वहाँ पे बिजली की भी जो आपूर्ति है वो बाधित है, तो हमारे भाई फोन एक फोन करने के बाद उस जगह पर पहुँच के विद्युत आपूर्ति को चालू करते हैं। तो मेरी सरकार से और जो हमारे बिजली विभाग के ऊपर के मैनेजमेंट वर्ग है मेरे उनसे ये आग्रह है कि इस बिल को वापस लिया जाए, अन्यथा और सोच कर्मचारी एकत्रित होकर शिमला में धरना प्रदर्शन करेगी प्रबंधक वर्ग के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है और सोच कर्मचारी के लिए स्थायी नीति बनाए ताकि और विभाग से भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं जो हमारे उच्च अधिकारी है प्रबंधक वर्ग के उनसे हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि वो भी हमारे और सोच कर्मचारी के लिए कोई ऐसी स्थायी नीति बनाए जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके और उनको बिजली विभाग में एक बिजली विभाग का कर्मचारी माना जाए और उनकी नियुक्ति रहे।